खिलाड़ी लेकिन भाई लग चुके झटका हनुमंडो इस टीम से खेल रहे थे लेकिन आज नियति जो है विवश करती है इसके खिलाफ खेलने के लिए अभिमन्यु नजर आएंगे इसके खिलाफ खेलते हुए अभी अभी पहले झटका लगी है सबसे पासिंग में साफ है नहीं हमारे में सब पर लिखी है सेकंड में क्या रहे गोल एवरेज देखा जाएगा कहने ना तो एक गोल हुआ और वो लम्हा मुझे कुछ भी नहीं भूल सकता हेलो जबरदस्त स्कोर की दरकार थी अभिमन्यु मैं तो अपने टीम के लिए बात कर रहा हूँ चारों के मैदान की क्योंकि आज चारी झटका लगी है ये तो जहाँ अभिमन्यु मैं तो टीम के कप्तान है YBCC के लिए हाँ ठीक है जी अच्छी है ठीक है जी बोल सुन अब चुनौतियाँ पर और लगातार जारी है अपने युवराजों के तलाश में दोधारी तलवार दिगंबर पापे विजय को चलिए हमारे समाज मैयालों के लिए खासकर जो छात्राएं हैं विद्यालय के जो छात्राएं हैं अगर आपको पानी पीनी है साफ मिनरल वाटर तो देखो लग रहा है कि सौजन्य से आपको मिलेगी पांच पेटी जो है ठंडे बिजली वाटर उस विद्यालय टोकरो इस स्कूल के प्रांगण पर अध्ययनरत है इस छात्राओं के लिए देखो लग रहा है कि ओर से ठंडे बिसलरी बोतल जो है मुफ्त है देखो कह रहे हैं आप गोली नहीं मारेंगे आप पानी भी दे देंगे महिलाओं के जगह पर और चलिए देखूंगा भाई क्या कहना समाज के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहते हैं मैदान के सारंभण रिवॉल्वर गेंद कलेक्ट कर रहे हैं पीछे साफ लिखा गया है देखो कह रहे और इसके सौजन्य से एक डोनेट है दान कर रहे हैं सभी फ्यूचर के खिलाड़ियों को भविष्य के खिलाड़ियों को एक एक नए जर्सी जो है दीपू गगड़े ने दी है और इसी के मद्देनजर आज आदिवासी उच्च विद्यालय टोकरो के छात्राओं के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिनरल वाटर जो है प्रोवाइड करे जा रहे हैं दीपू गगड़े के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है दीपू गगड़े जी असली आज के अगले मुकाबला होगी राम एफ सी और सुभाष एफ सी बारामती बिल्कुल असले फिर बातों का सिलसिला जो है लगातार यूं ही चलते रहेगी आज मौसम का मिजाज थोड़ी बहुत बदली बदली लग रही है और आज सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं के लिए महिला दर्शकों के लिए दीपू गगड़े जी के सौजन्य से निःशुल्क प्यूरिफाई वाले वाटर जो है अवेलेबल कराए जाएंगे इस बार भी गेंद है काफी गति पूर्वक है सुनील दीपू गगड़े जी के सौजन्य से ये जल जो है महिला दर्शकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और प्लस पॉइंट ये है कि मैदान के सारों जो गोल गोल घूम रहे हैं गेंद को लाने में दीपू गगड़े जी ने डोनेट करी है दान करी है नई चमचमाती हुई जर्सी स्टूडियो में जाकर कर सकते हैं और अच्छे खासे डोनेटर भी हैं मुझे अच्छी तरह से याद है सर पिछले साल जो है मुझे भी दिनेश स्टूडियो के सौजन्य से टी शर्ट मिली थी मैं उम्मीद कर रहा हूँ या तो देखूंगा या फिर दिनेश के माध्यम से इस बार भी हमें टी शर्ट मिलने वाली है और देख सकते हैं यह जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट है
जो वोल्टेज को छोड़कर के जो वॉलंटियर हैं हमारे इस क्लब के सक्रिय सदस्य वॉलंटियर हैं, जो वॉलंटियर के तौर पर कार्य को कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं आज, और इस क्लब के जर्सी पर जो कमेंट है वो इस सिर्फ रेफरी आप कैमरे की निगाहें में है, इतने अच्छे खिलाड़ी है, उम्मीद करेंगे अपने इमेज को आपको धाक न लगने दे सीसीटीवी और साथ साथ में जाता है जिस प्रकार की हम सभी कहते हैं कि दीवार का भी काम होते हैं और आज इसी मेला के अंदर पर कुछ समय के बाद में ड्रोन के मेला का भी आगमन होगा। राहुल कालकोजी लेकर के आएंगे आज ड्रोन के मेला का भी आगमन होगा कुछ क्षण के बाद और सभी मेला के अंतर्गत किसी प्रकार का अगर गुंज भी चलेंगे, किसी प्रकार का अगर गलत चलेंगे या सही चलेंगे वो सभी को सीबीसी ड्रोन कैमरा में कैद करेंगे। चलिए एक रोमांच के मैच और एक गोल के आगे यहाँ टीम चल रहे हैं जीएस मदर्स वैरानी प्रथम चक्र के अगर मैच की बात करें सुनील सादर जैसे खिलाड़ी के पसंद से पहले से जाटा जी दो स्कोर अगर सफल हो जाओ वो बड़े टीम के साथ टिकटॉक 11 सीकेपी भले ही आज विकेट मदर्स बी के नाम से आए थे लेकिन तमाम खिलाड़ी टिकटॉक 11 सीकेपी के थे। ओह माय गॉड क्या भव्य मंजर देखा गया था और मुझे काफी अफसोस है कि मैं इसके पिछले मैच को देख नहीं पाया। उसने खैर कुराब ने से और आप है सुहास सबसे गलत होते कमर कस लेंगे मैदान करे वाले के लिए गोपी सोय फुटबॉल के सल्तनत का एक मॉडल बॉय अच्छी बात है पांच क्षेत्र से काम करके करने की कोशिश वैसे नंबर 16 वंस अगेन गोपी के पास गेंद पहले बॉल आता रहे दुर्गा है अब गोल की तलाश है। वंस अगेन फिर एक बार कंट्रोल पर गेंद है विजय गोप के लिए अच्छे पास रेफर करिए एयर पास और खूबसूरत से हेडर विजय गोप की आई है और गेंद को बिल्कुल परोस दिया गया है मंगल के लिए गेंद के साथ जर्सी नंबर 6 सौराय नागराई आउटर लेते गेंद दिगंबर पाते को ढूंढा गया दो सारे तलवार गेंद के ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश अभी भी थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा। अभी पर नौ में तो जो आरंभ शॉटिंग के मालिक भी हैं और कई सारे ढेर सारे ग्लोब वाले वीडियो में भी अभी मैंने मैचों के वीडियो फुटेज में देखने को मिलती है। एक स्कोर की दरकार पड़ेगी जरूर विजय के दंडनाते गेंद और पिछले क्रम के जैसे पर आप देख सकते हैं दीप्ति स्पोर्टिंग कुछ है अंकित भी किया गया है और कभी कभी आरब स्पोर्टिंग के नाम से भी आते हैं दो दो टीम के फाइनेंसर हैं दो दो टीम के वो आप बात करें आज का सीकेपी वही वही एससी सीकेपी की बात करें जिसको लाइन शून्य और जिस मदद लेदरा भी की स्कोर लाइन वन और सुंदर फुटबॉल की मैच मध्यांतर हो चुका है और चलिए अगला मैच के लिए दोनों टीम आप भी अपने खिलाड़ी को लेने चला रहे आप तुरंत एफसी और आप सुभाष एफसी काराकुट्टी ग्रुप ए का पत्थर लौट का पत्थर मैच खेला जाएगा इस मैच के बाद और चलिए जिस प्रकार से आज हमारे कमेटी परिवार को सहयोग दिए हैं भाई एक खुशी की बात के साथ एक खुशी की लार है। देखो जी पानी उपलब्ध करा देंगे आपने कहा भी है बालिकाएं के लिए स्कूल के बालिकाएं के लिए हमने पानी डोनेट करेंगे और अब तक आपके पानी की जो बोतल है जो आपके पानी की महिला के उस गैलरी पर रख देंगे ताकि जरूरत के अनुसार जरूरत के हिसाब से महिलाएं जो है इस पानी के ग्रहण कर सके। तुराम एफसी और सुभाष एफसी काराकुट्टी आज की अगले मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं।
और चलिए इसके साथ साथ हमारे क्लब के बुजुर्गों का आगमन हुआ है, इस स्कूल के शिक्षक गण का आगमन हुआ है। चलिए सर आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच एसएफसी जजोली के एक ही उस जमाने के प्लेयर 1995-1998-2000 के बीच में जो कि रोमांच की फुटबॉल के मैच को खेलते थे, राहुल हेमराम, इनका भी आगमन हुआ। चलिए सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं आज फॉल इन फुटबॉल की ओर से। और साथ साथ हमारे इस कैंपस कमेटी लाइन कोर्ट से भी हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं। बेहतरीन मौका फिर से बार लेकिन सामने है जयकाल 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 लाडू बोलो पानी बोतल किराने बलिका के लिए आपने वादा किया है और वादा को निभाना भी है। थोड़ा सा जल्दबाजी करें, हमें यहाँ से महसूस हो रहा है आप छांव पर बैठे हैं लेकिन काफी पानी की प्यास लग रहा है। और हमारे जो बलिके हैं विद्यालय के बलिके हैं वो सब मेरे जरिए सभी बलिकाई को पानी की प्यास को भुजाया जाएगा, पानी का डोनेट किया जाएगा। और जल्दबाजी करके पानी की बोतल यानी बोतल साइज पेटी में पानी भर करके ऑटोमेटिक आपके जो बिस्लरी पानी है वो बिस्लरी पानी का पेटी ला करके महिला हमारे बालिका हैं विद्यालय के विद्यार्थी हैं वहां पर आप पेटी रख देंगे। समय यूं ही गुजरते चला जा रहा है और दोनों टीम अब तक आई भी नहीं है इस अगला मैच के लिए जाता ग्रुप ए का प्रथम राउंड का प्रथम मैच टीम तुरंती एफसी और सुबेस एफसी गाड़ाकोटी ये टीम आएगी कुछ ही प्रकार से कहते हैं ना भाई खड़े खड़े लेहरा की टीम ने दो गोल दाग चुके हैं। मैच से काफी रोमांचक नहीं हमारी में आजा बोले चल रही है इधर मजे तुरंत एफसी और सुबह से आज की अगले मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे। एंड दीपू गागरा जी एक ठंडे बिस्लरी पानी की बोतल को हमारा उस गैलरी पर दे देंगे क्योंकि जरूरत की आवश्यकता यहाँ से पड़ रही है। तो इस पॉइंट से बहुत सारे बालिकाएं हमको लग रहा है सर्दी खांसी हो सकती है अभी भी फिलहाल चल रहा है और मेरे सारे में भी वो सर्दी खांसी है इसलिए हम चाहेंगे देखो बगैर इसे ठंडा पानी छोड़ करके एक नॉर्मल पानी एक नॉर्मल बिस्लरी की बोतल या कोई भी कंपनी का हो आप ला करके दें आपने वादा किया है वो वादा को निभा लें। देखो गगाई समाज सेवी के साथ साथ हमारे मोहल्ले पगलों के एक आदेश मोह में और उसके साथ साथ एक अच्छे फुटबॉलर अभी भी 40 प्लस पर अभी भी 40 साल से ज्यादा वाले एज पर जब फुटबॉल की टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है उसमें हमेशा भाग लेते हैं। कोई भी ऐसा टूर्नामेंट ना हो कि देखो गगाई ना हो करते हैं असलिए मैच बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है क्यों ना इस ध्वनि संप्रेषण के माध्यम से अगले मुकाबला खेलने वाली टीम को बार बार सूचित करें साथ जवाब दिए से और शोभा से सिंगार को टीम आप पूरी तरह से तैयारियों को दुगनी करते हो अपनी संपूर्ण टीम को लेकर आगे रेस्ट में चैलेंज करेंगे।